आज हम एक ऐसे फंड की बात करेंगे, ऐसे सेगमेंट के फंड की बात करेंगे जिसको सदाबहार सेगमेंट बोला जाता है और उस सेगमेंट का नाम है फ्लेक्सी कैप सेगमेंट। फ्लेक्सी कैप सेगमेंट जैसे इसके नाम से एज इट साउंड्स बाय इट्स नेम, इस सेगमेंट में फंड मैनेजर को यह लिबर्टी होती है कि अपने फंड का कितना ही परसेंटेज वो किसी एसेट में एलोकेट कर सकते हैं। केवल एक ही लिमिटेशंस होती हैं, अपने फंड का कम से कम 65% एलोकेशन इनको इक्विटी एसेट्स में करना पड़ेगा, जबकि ये लिबर्टी बाकी सब सेगमेंट में नहीं है। जैसे लार्ज कैप सेगमेंट में लिमिटेशंस हैं कि फंड मैनेजर अपने फंड का कम से कम 80% एलोकेशन जो है लार्ज कैप सेगमेंट में करेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में ये लिमिटेशंस हैं, अपने फंड का कम से कम 65% एलोकेशन ये स्मॉल कैप या मिड कैप सेगमेंट में करेंगे, जबकि फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसका मतलब यदि सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मार्केट बुलिश फेज में है और फंड मैनेजर को लगता है कभी स्मॉल कैप सेगमेंट काफी बेहतर कर रहा है तो वो 95% 98% एसेट का एलोकेशन वो स्मॉल कैप सेगमेंट में कर सकता है। और इसके विपरीत यदि उसको लगता है कि मार्केट बियरिश फेज में जा रहा है तो 65% एलोकेशन वो लार्ज कैप में फंड में कर देंगे और 35% वो या तो कैश होल्ड कर लेंगे या डेट फंड में एलोकेट कर देंगे। इसी कॉन्टेस्ट में आज हमने फ्लेक्सी कैप सेगमेंट के कुछ फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो मेरे ओपिनियन में SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन फंड है। आज की एनालिसिस में हमने फ्लेक्सी कैप सेगमेंट के उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो SIP पर्पस से मेरे ओपिनियन में बेहतर फंड है, और इस फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने दो मेन पैरामीटर्स को कंसिडर किया है, वह रिटर्न पैरामीटर या परफॉर्मेंस का पैरामीटर और रिस्क का पैरामीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है, सो हमने निफ्टी 500 TRI के परफॉर्मेंस को हमने रेफरेंस रेट माना है और उसके हिसाब से ही हमने फर्स्ट फेज में फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। और निफ्टी 500 TRI का जो पिछले 10 सालों का XIRR है, 1 ईयर का 37%, 3 ईयर्स का 27.01%, 5 ईयर्स का 25.74% और 10 ईयर्स का 18.04% है। जब ये हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया तो इनिशियली हमने केवल 3 रिटर्न पैरामीटर के बेसिस पे फंड को शॉर्टलिस्ट किया, वो पैरामीटर थे 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का और 10 ईयर्स का XIRR। और फंड को इस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर हमने 1 ईयर के XIRR को भी कंसिडर किया। इसको इस बात में इसलिए किया हमने कि नॉर्मल कोर्स में SIP का रिटर्न 1 ईयर के XIRR का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी ये फंड को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने जानना चाहा कि देखें इन फंड का 1 साल XIRR के लिहाज से कैसा परफॉर्मेंस है। दूसरा पैरामीटर है रिस्क रेशियोज। रिस्क रेशियोज में हमने 5 रेशियो को कंसिडर किया हुआ है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, सार्पे, शॉर्टिनो और अल्फा। यदि इन रेशियोज के बारे में आपको मालूम है तो अच्छी बात है, यदि चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे बर्ड्स आई व्यू बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये माने जाते हैं निगेटिव रेशियोज। इसका मतलब कि इनका जितना अधिक ये फिगर होंगे, जितने अधिक इसके रेशियो होंगे वो फंड उतना ही खराब होगा, या यूं कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होगा वो फंड उतना अच्छा माना जाएगा। और सार्पे, शॉर्टिनो और अल्फा ये पॉजिटिव रेशियो माने जाते हैं। इसका मतलब ये रेशियो किसी फंड का जितना अधिक होगा वो फंड उतना अच्छा माना जाएगा। और हमने इसको रेफरेंस निकालने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखा। एक ध्यान रखा कि हर एक रिस्क में जो फ्लेक्सी कैप फंड का जो हाईएस्ट और लोएस्ट रेशियो है उसको कंसिडर किया और उन दोनों का एवरेज निकाला। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें करें तो फ्लेक्सी कैप के जितने फंड्स थे उसमें कम से कम स्टैंडर्ड डेविएशन 10.65 थे और अधिक से अधिक 15.79 था, और इन दोनों का रेशियो निकाल के हमें 13.22 निकाला। और इस लिहाज से बीटा का रेफरेंस रेशियो 0.88, सार्पे का 1.11, शॉर्टिनो का 2.31 और अल्फा का 0.35। इन पांचों रेशियो को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको बहुत और लगेगा कि अल्फा में हमने 11.07 माइनस 10.37 लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सब में आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए प्लस किया आता है, उसके बाद जितने फैक्टर्स होते हैं उससे उसको डिवाइड किया जाता है, यहाँ हमने माइनस लिखा है। इसका एक ही कारण है कि अल्फा फ्लेक्सी कैप के जो फंड हैं उसका मैक्सिमम अल्फा जो है 11.07 था और मिनिमम अल्फा जो था माइनस 10.37 था, इसलिए हमने इसके एवरेज निकाला और ये एवरेज 0.35 आया। हालांकि ये अल्फा काफ़ी कम है, सामान्य अवस्था में 0.35 का अल्फा होना
कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि रेफरेंस रेट निकालने के लिए जो प्रोसेस हमने यूनिफॉर्म प्रोसेस हमने फॉलो किया था उसके हिसाब से ये 0.35 ही आता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला रिटर्न के बेसिस पे। रिटर्न के बेसिस पे जो बताया कि ये तीन पैरामीटर के बेसिस पे जो हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया उसके हिसाब से ये 9 फंड्स आते हैं जो कि उन क्राइटेरिया 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स का XIRR जो निफ्टी 500 TRI का था, कम से कम इसका परफॉर्मेंस उससे उतना या उससे बेहतर था। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे लिखा है कि 3 इयर्स का 27.01 इसका रेफरेंस पैरामीटर है यानी निफ्टी 500 TRI का परफॉर्मेंस है, 5 इयर्स का 25.74 है और 10 इयर्स का 18.04। और इस लिहाज से जो 9 फंड्स हैं वो हैं HDFC के 2 फंड फ्लेक्सी और HDFC फोकस, फ्रैंकलिन के भी 2 फंड हैं फ्लेक्सी और फोकस, ICICI के फोकस्ड फंड हैं, GM का भी 2 फंड है GM फ्लेक्सी और GM फोकस, पराग पारिक और क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। हालांकि कुछ एनालिस्ट का ये विचार है कि फोकस्ड फंड को वो अलग सेगमेंट में रखते हैं, लेकिन मेरे विचार से फोकस्ड फंड का जो मतलब है सिंपल मतलब है इनका भी मिनिमम क्राइटेरिया 65% एलोकेशन इनका इक्विटी एसेट्स में होना चाहिए क्योंकि ये फोकस्ड हैं। फॉर एग्जांपल HDFC फोकस 30 है, मतलब ये जो फोकस करते हैं केवल 30 स्टॉक्स में करते हैं, इसी के लिए इनका नाम फोकस्ड है। अदरवाइज ये फोकस्ड फंड भी मेरे विचार फ्लेक्सी कैप सेगमेंट का ही पार्ट है। और इस लिहाज से हम देखते हैं कि 3 इयर्स में जो बेंचमार्क है 27.01 है और इसमें सबसे अधिक 42.80% GM फ्लेक्सी कैप फंड का है, और सबसे कम 27.39 पराग पारिक का है, 5 इयर्स में सबसे अधिक यहां फिर 38.93 ये क्वांट फ्लेक्सी का है और सबसे कम 27.52 GM फोकस्ड का है, और 10 इयर्स के स्लॉट में देखें तो सबसे अधिक 26.39 क्वांट फ्लेक्सी का है और सबसे कम इट कम्स टू 18.53% ये GM फोकस्ड का है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये 9 के 9 फंड जो हैं ये तीन पैरामीटर 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स का जो XIR का रेफरेंस सारे रेफरेंस रेट को ये क्वालिफाई कर रहे हैं। अब यदि बात करें हम रिस्क प्रोफाइल की या रिस्क रेशियो एनालिसिस की, तो जैसा कि पहले बताया कि 5 पैरामीटर्स लिए हुए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन सारपे शॉर्टिनो बीटा एंड अल्फा। अब यहां देखते हैं कि इसमें कुछ ब्लॉक्स हैं जो कलर्ड नहीं है, बाकी सारे ब्लॉक्स कलर्ड हैं। ब्लॉक्स कलर्ड होने का मतलब जो इन रिस्क रेशियो का जो रेफरेंस रेट है वो क्वालिफाई कर रहे हैं और जो ब्लॉक कलर नहीं है इसका मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। हमने रिटर्न एनालिसिस में हमने ये किया था कि जो भी रेफरेंस रेट थे 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स के, हम उन्हीं फंड को इसमें इंक्लूड किया था जो इस पैरामीटर को क्वालिफाई कर रहे थे, और उसके क्वालिफिकेशन के बाद जो 9 फंड शॉर्टलिस्ट हुए, इन 9 फंड का ये पांचों रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन सारपे शॉर्टिनो बीटा और अल्फा को हमने टेबुलेट किया हुआ है। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि टोटल पैरामीटर्स जो है 4 पैरामीटर्स रिटर्न में है और 5 पैरामीटर्स रिस्क रेशियोज में है, और केवल 2 ही फंड ऐसे हैं जो कि सारे 9 के 9 पैरामीटर्स का रेफरेंस रेट को क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो फंड हैं HDFC का फ्लेक्सी कैप और फोकस का HDFC का फोकस 30 फंड। इसलिए हमने हर एक पैरामीटर्स को एक स्कोर दिया है और सारे 9 फंड्स का हमने कंपोजिट स्कोर निकाला है, और कंपोजिट स्कोर निकालने के बाद जो हम देखते हैं कि 2 फंड HDFC के दोनों फंड ये 9 में से 9 पैरामीटर में क्वालिफाई कर रहे हैं, फ्रैंकलिन के दोनों फंड और ICICI के प्रूडेंशियल के फोकस्ड फंड, ये 3 फंड ऐसे हैं जो 9 में से 8 पैरामीटर को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए इनका स्कोर कंपोजिट स्कोर 8 है। फिर 3 फंड और हैं GM का फ्लेक्सी कैप, GM का फोकस्ड फंड, पराग पारिक का, ये 9 में से 7 पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, और क्वांट का फ्लेक्सी कम ये 9 में से केवल 6 पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब यदि इन फंड्स की रैंकिंग करेंगे तो इतना तो तय है कि HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC का फोकस्ड फंड फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पर रहेगा, क्योंकि इनका जो कंपोजिट स्कोर है ये 9 out of 9 दोनों का है। अब यदि इन दोनों फंड को आपस में फर्स्ट सेकेंड के रैंकिंग के लिए यदि तुलना करें तो हम देखते हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप फर्स्ट ईयर में 38 वो बेहतर है, थर्ड ईयर में फोकस फंड बेहतर हैं, 5 साल के XIR के बेसिस पे फोकस फंड बेहतर है, 10 ईयर्स के XIR के बेसिस पे फ्लेक्सी कैप बेसिस है। तो हम यदि रिटर्न के बेसिस पे ही केवल देखें तो हमें देखते हैं आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स में HDFC फ्लेक्सी कैप
अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दो में एचडीएफसी का फोकस पॉइंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब यदि रिस्क रेशियो की बातें करें तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 11.62 ये आपका एचडीएफसी फोकस का बेहतर है, सार्पे का 1.88 ये एचडीएफसी फोकस का बेहतर है, शॉर्टिनर का 2.79 ये एचडीएफसी फोकस का बेहतर है, बीटा का 0.77 ये एचडीएफसी फोकस का बेहतर है और अल्फा 10.55 ये एचडीएफसी फोकस का बेहतर है। तो हम देखते हैं कि नौ पैरामीटर्स में से 6 पैरामीटर में बेहतर एचडीएफसी फोकस फंड है और 2 पैरामीटर्स में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। इसलिए हमने रैंकिंग के लिहाज से हमने फर्स्ट रैंक दिया एचडीएफसी फोकस फंड को और सेकेंड रैंक दिया एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को। अब बात करें उन फंड्स की जिनका स्कोर कंपोजिट स्कोर 8 out of 9 है और इसमें हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन के 2 फंड हैं और आईसीआईसीआई के 1 फंड है। अब यदि बात करें इन तीनों में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट ईयर में देखते हैं कि बेहतर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, थर्ड ईयर में भी इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे अच्छा 33.84 थ्री ईयर्स में भी है, फाइव ईयर्स में 31.09% ये भी सबसे बेहतर है, 10 ईयर्स में 20.53 ये सबसे बेहतर है। इन तीनों की तुलना करें तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि इन तीनों फंड में से 4 out of 4 रिटर्न के बेसिस पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल लीड कर रहा है। अब यदि बात करें रिस्क रेशियोज की तो रिस्क रेशियो 12.81 ये 12.18 जो है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस फंड का बेहतर है, सार्पे की यदि बातें करें तो 1.47 आईसीआईसी का बेहतर है, शॉर्टिनो की यदि बातें करें तो 2.71 ये भी आईसीआईसी का बेहतर है और यदि बीटा की बात करें सबसे बेहतर 0.86 है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड फंड का और यदि अल्फा की बातें करें तो 5.5 ये आईसीआईसी प्रोडेंशियल फोकस फंड का बेहतर है। तो इसमें हम देखते हैं कि 9 में से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये सबसे अधिक नहीं है इनका, बाकी 7 में ये लीड कर रहे हैं। इसलिए हमने आईसीआईसी प्रोडेंशियल फोकस को थर्ड रैंक पे रखा है और अब रही फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी और फोकस के बीच में फोर्थ या दोनों को फोर्थ। तो इसमें भी कंपेयर किए हैं तो हालांकि उस लिहाज से मुझे बेहतर दिखते हैं फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है ये काफ़ी कम है। इसलिए हमने अपने परसेप्शन के लिहाज से दोनों फंड को फोर्थ पोजिशन पर रखा है। हालांकि यदि आप चाहें तो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप को थर्ड पे रख के फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी को फोर्थ पे रखें और फोकस फंड को फाइव पे रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ दोनों को एक ही उसमें रखा है। अभी तक जो रैंकिंग की हमने, ये रैंकिंग उन इन्वेस्टर्स के लिए की जो रिस्क एवर्स हैं, इसका मतलब जो ये चाहते हैं कि कम से कम रिस्क हो और रिटर्न अधिक से अधिक हो, उसके हिसाब से हमने ये रैंक किया 1, 2, 3, 4। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो रिस्क लवर हैं, उनका ये सोच है कि हम कोई भी रिस्क ले सकते हैं, हमें परफॉर्मेंस बेहतर मिलना चाहिए। तो अब हम उन इन्वेस्टर्स के लिए इस नौ में से रैंक करेंगे फंड्स की और इस लिहाज से हम देखते हैं कि सबसे बेहतर वन ईयर में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 47% है क्वान फ्लेक्सी कैप का, थर्ड ईयर में सबसे बेहतर है 42.80 जीएम फ्लेक्सी कैप का, फाइव ईयर में सबसे बेहतर है 38.93 ये क्वान फ्लेक्सी का, 10 ईयर्स में सबसे बेहतर है 26.39 ये क्वान फ्लेक्सी कैप फंड का। और इस लिहाज से यदि हम देखते हैं तो क्वान फ्लेक्सी कैप रिटर्न के लिहाज से सबसे बेहतर फंड है, मतलब ये बेहतर फंड रिस्क लवर इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। इसलिए हमने क्वान फ्लेक्सी कैप को उन टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए हमने फर्स्ट पे रखा है और सेकेंड पे यदि बातें करें हम तो हम देखते हैं कि इन फर्स्ट ईयर में क्वान फ्लेक्सी के बाद सबसे बेहतर है जीएम फोकस्ड का 43.6%, उसके बाद थर्ड में है 42.80% जो सबसे बेहतर फ्लेक्सी कैप का है, फाइव ईयर में सबसे बेहतर 35.5 फ्लेक्सी कैप का है और 10 ईयर में सबसे बेहतर 23.62 जीएम फ्लेक्सी कैप फंड का है। इसलिए ऑल फाइव में से जीएम फ्लेक्सी कैप ये वन ईयर में भी 55% ये भी सबसे अधिक है, तो चार में से चारों जो हैं सबसे बेहतर जीएम फ्लेक्सी कैप के फंड के हैं। इसलिए हमने जीएम फ्लेक्सी कैप को सेकेंड पे रखा है और उसके बाद थर्ड पे आते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस फंड, ये थर्ड पोजिशन पर आएंगे उन इन्वेस्टर्स, उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए भी जो रिस्क लवर है। अब एक चीज यहाँ देखने को मिलेगा जो वेरी इंटरेस्टिंग है,
वो यह है कि चाहे रिस्क एवर्स हो या रिस्क लवर हो, दोनों के लिहाज से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड ये थर्ड रैंक पे आए हुए हैं। इसलिए यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड ले सकते हैं। अंतिम निर्णय आप अपने परसेप्शन के हिसाब से खुद लें। थैंक यू।